Hey, good morning. कैसे हैं सब? तो आज अभी हम हैं गजपति में. तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30. तो हमारा प्लान था कि सुबह जाएंगे यहाँ पे पास में एक है वाटरफॉल, जो कि माकड़ी वाटरफॉल है. जस्ट 15 किलोमीटर दूर है यहाँ से. लेकिन बारिश है कि रुकने की नाम ही नहीं ले रहा है. तो कल से बारिश हो रहा है लो प्रेशर की वजह से. अभी भी चल रहा है बारिश. अगर बारिश नहीं होता तो जाते हम घूम के आ जाते, वो वाटरफॉल देख के आ जाते. पर क्या करें, बारिश तो रुक ही नहीं रहा. देखते हैं, अगर शाम को रुकेगा तो जाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे. तो हम लोग अभी जा रहे हैं पास में जो के है मॉनेस्ट्री, मतलब होटल के पास में ही है, शायद 1-2 किलोमीटर के अंदर ही होगा. तो वहीं पे जा रहे हैं, वहाँ पे एक मॉनेस्ट्री है. पीछे से दिख रहा था, अच्छा दिख रहा था. तो अभी जाएंगे सामने से, पास में जाके देखेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे. साथ में है सुनील भाई, देखिए ये हमें ले जा रहे हैं साथ में. तो चलिए वहाँ पे मिलते हैं आप लोग से. तो हल्का बारिश रुक गया है, इसलिए हम आए हैं यहाँ पे मॉनेस्ट्री देखने के लिए. पास में है जो मेन मॉनेस्ट्री है जीरांगो, वो तो थोड़ा दूर है, 5 किलोमीटर दूर है होटल से. तो वो शायद होंगी तो शाम को जाएंगे. ये है स्टैचू ऑफ पद्मसंभव, जो ओडिशा गजपति डिस्ट्रिक्ट के महेंद्रगढ़ में है और ये चंद्रगिरी से 7 किलोमीटर की दूरी पर है. पद्मसंभव, इसका मतलब होता है पद्म से जन्म. पद्मसंभव जी बौद्ध धर्म के प्रचारक थे और इनको सेकेंड गौतम बुद्ध भी माना जाता है. अभी हम जा रहे हैं घुमाने के लिए. जीरांगो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, और इसका दूसरा नाम है पद्मसंभव महाविहार. और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है. और अभी फिलहाल बारिश हो रहा है, इसीलिए जा रहे हैं वापस. चलो अच्छा है, आखिरकार आ गए हम. हम तो सोच रहे थे कि नहीं आ पाएंगे, इतना बारिश हो रहा था. अभी थोड़ा रुका हुआ था बारिश, 4 बजे तो आ गए थे. तो अभी फिर से शुरू हो गया, तो जा रहे हैं. अभी हम लोग खसड़ा वाटरफॉल में, बारिश हो रहा है तो वीडियो ज़्यादा शूट नहीं हो पा रहा है और अंधेरा भी छा रहा है.
अगर मॉनेस्ट्री आते हो तो यहाँ पे खसड़ा वाटरफॉल में ज़रूर आना, क्योंकि ये मतलब रास्ते में ही है, मतलब वहाँ से जो मॉनेस्ट्री है वहाँ से 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पर। तो अभी बज रहा है 5:30, अंधेरा हो गया है क्योंकि बारिश भी है, इसीलिए मतलब अंधेरा हो रहा है धीरे धीरे। तो अभी हम यहाँ से घूम के जा रहे हैं, तो वापस होटल में। सब जगह आधा अधूरा दिखे बारिश की वजह से, क्या करें, जो भी है चलो देखते लिए। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें, और जो न्यू विजिटर हैं सब्सक्राइब करें चैनल को, और हम लोग मिलते हैं और एक अच्छे से वीडियो में। सी यू।